जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एवरीथिंग इज पॉसिबल के नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे देश में आज ट्रांसजेंडरों की स्थिति पहले से बेहतर हो चुकी है। एक वक्त ऐसा था जब ट्रांसजेंडरों को बहुत ही गलत नज़रों से देखा जाता था, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था और उन्हें इंसान तक नहीं समझा जाता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ट्रांसजेंडरों को भी अदर के कैटेगरी में रखा गया है। वह भी अपना कैरियर आसानी से चुन सकते हैं और बना सकते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से हैं वो ट्रांसजेंडर जो पैदा तो मर्द की तरह हुए थे लेकिन फिर लिंग परिवर्तन कराकर लड़की बन गए, उनके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रेशम चंद्र और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल। दोस्तों, शुरुआत करते हैं फेमस बॉबी डार्लिंग से। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में बॉबी डार्लिंग के नाम से मशहूर ये एक्ट्रेस और मॉडल असल में पंकज शर्मा थे। उनका जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था और घर वालों ने उनका नाम पंकज रखा था। हालांकि 2010 में उन्होंने अपने ब्रेस्ट ट्रांसप्लांट करवा लिया और पंकज से अपना नाम पाकी रख लिया। इसके बाद मशहूर होने के बाद उन्होंने अपना नाम बॉबी डार्लिंग कर लिया। बॉबी ने फिल्म क्या कूल है हम, पेज 3, हंसी तो फंसी जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से सबका दिल जीता है। दोस्तों, इस वीडियो के अगले नंबर पे है गौरी अरोरा। दोस्तों, गौरी बनने से पहले यह एक्टर गौरव अरोरा हुआ करते थे और ये स्प्लिट्स विला सीजन 8 के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं। गौरव ने अपना सेक्स चेंज करवाया तो इस बात का खूब हल्ला हुआ था। गौरव एक बेहद ही हैंडसम लड़के थे लेकिन गौरी बनने के बाद वह बेहद खूबसूरत लड़की बन गए। दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने सेक्स चेंज के बाद अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कॉल मी गौरी। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि वे बचपन से ही अपने आप को औरत जैसा महसूस किया करते थे। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वह औरत की तरह अपनी बाकी जिंदगी बिताएंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में अगले नंबर पे है निक्की चावला। दोस्तों, निक्की भी उन लोगों में शामिल है जिनका जन्म एक मर्द के रूप में हुआ था लेकिन उन्होंने एक औरत के रूप में खुद को ढाल लिया। निक्की का कहना है कि वह अपने जीन से परेशान हो चुके थे और वह औरत बनना चाहते थे। हालांकि जिस तरह के फैमिली से उनका संबंध था उसमें ये सब करना आसान नहीं था। 2009 में उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर सेक्स चेंज करवाया था। निक्की चावला टीवी के फेमस शो इमोशनल अत्याचार में भी नजर आ चुकी है। दोस्तों, इस लिस्ट में अगले नंबर पे है अंजलि लामा। दोस्तों, इनको देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये ट्रांसजेंडर है क्योंकि अंजलि है ही इतनी खूबसूरत। पर दोस्तों, अंजलि का जन्म नेपाल के एक गांव में हुआ था और उनका नाम रखा गया था नबिन, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तब वो पुरुष थे। वह अपनी पहचान को लेकर काफ़ी दुविधा में रहते थे, इसलिए उन्होंने फिर सेक्स चेंज ऑपरेशन कर खुद को अंजलि बना लिया। उनके इस फैसले से उनके परिवार ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया लेकिन उनकी माँ ने उनका साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, आखिरी नंबर पे है शिनाता संघा। दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन मॉडल शिनाता संघा भी अपना सेक्स चेंज करवा चुकी है। वह साउथ एशियन के फेमस ट्रांसजेंडर मॉडल है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी द्वारा ऑर्गेनाइज ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शिनाता हिस्सा भी ले चुकी है। और दोस्तों, आपको पता है कि इनकी खूबसूरती के लोग बहुत दीवाने हैं। वह मिस ग्लैमर क्वीन यूनाइटेड किंगडम भी रह चुकी है और शिनाता को काफी कामयाब ट्रांसजेंडर मॉडल माना जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सी ट्रांसजेंडर सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर जो नए दर्शक हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लगातार देख सकें। तो दोस्तों, मिलता हूँ फिर एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।